हेलो नमस्कार कम, काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट मैग्नेट्स पे मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्व की फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ठीक है ना लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है ना थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया हमने जाना कि अच्छा ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है उसका फॉर्मुला हमने समझा उस फॉर्मूले को समझने के बाद आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या गॉस का लॉ गॉस लॉ है ना

मेरा अजम्पन या मेरा तरीका अगर तुम लगा रहे हो तो उसके पीछे आपको ये सारे एजम्पन मानने पड़ेंगे तो ही आप फ्लक्स निकाल पाओगे तो वो सारे एजम्पन वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन है ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा मैं आपसे अगर पूछू कि यहाँ पर एक स्क्वायर रखा हुआ है ठीक है ना स्क्वायर ऑफ साइड ए ठीक है ना यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है ठीक है इस चार्ज से मैं आपको दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी निकल रही है देखो ठीक कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं ठीक है ना अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा क्या पूछा गया यह पूछा गया कि यह जो स्क्वायर है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा अब आपने पढ़ लिया क्या पढ़ा आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि फ्लक्स आप तभी निकाल पाते हो कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो आपके सर्फेस के आपके एरिया के क्या हो परपेंडिकुलर हो या फिर मैं बोलूं एरिया वेक्टर के क्या हो अलॉन्ग हो आई बात समझ में हां सर समझ में आ गई हमने फॉर्मुला भी पढ़ा था कि अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर ठीक है ना इसको आप क्या बोल रहे थे ई ए थीटा ये थीटा क्या था ये थीटा ये थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है एंड एरिया वेक्टर

सिंपल सा क्वेश्चन है समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं पर एक रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फीड लाइन जा रही है ना तो बताओ मुझे फ्लक्स के बारे में आप क्या कह सकते हो तो मुझे होगा वो इस डायरेक्शन में होने वाला है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होने वाली है देखो ना आप ये देखो ये देखो ये एरिया वेक्टर होगा हाँ सर बिल्कुल एरिया वेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है क्या दोनों अपोजिट है दोनों अपोजिट है

पॉजिटिव साइन के साथ अंतर समझ में आया यहां पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है भाई आपके सर्फिस के परपेंडिकुलर है आई मेरी बात समझ में और एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ठीक है।, है सर ओके ये सारी चीजें आपको पता है चलो <coughs> मैंने आपको ये बोला था या बताया था कि आप जब ये फॉर्मूला लगाते हैं फ्लक्स का ये फॉर्मूला जब आप फ्लक्स का लगाते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है यूनिफॉर्म है या, या बोलूँ मैं कॉन्स्टेंट है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपकी कॉन्स्टेंट ओके सर ये बात आपको समझ में आ गई हाँ लेकिन अगर ये वेरिएबल हो गई तो फिर क्या करेंगे अगर ये वेरिएबल हो गई तो फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है छोटा ई लिख देता हूँ मैं इसको है ना हमारे पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर ठीक है ना अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है वैसे तो ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है ऑलवेज वैलिड फॉर्मुला क्या है ऑलवेज वैलिड है अगर इसमें अगर आप में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी क्या हो गई कांस्टेंट हो 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 गई तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से है ना सिर्फ DA vector का क्या हो जाएगा हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर कोई परेशानी नहीं ठीक है ना चलिए इतना आपको पता है अगर तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने गॉस लॉ को ठीक है ना तो यह है भाई गॉस लॉ गॉस लॉ क्या बोलता है जरा समझेंगे पहले अंग्रेजी पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये हमको बताना चाह रहे हैं ठीक है लॉ दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस अच्छा क्लोज सर्फेस बोला है यानी कि थ्री डी है क्या है क्लोज सर्फेस बोला है यानी कि कैसा सर्फेस होना चाहिए थ्री डी क्या आपको कोई शेप बताया है क्या क्या आपको कोई शेप बताया है क्या नहीं कोई शेप नहीं बताया कोई साइज बताया है नहीं कोई साइज नहीं बताया बस यह बोला है कि कोई थ्री डी सर्फेस होना चाहिए क्लोज सर्फेस होना चाहिए इस प्रपोशनल टू तो द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज विद इन द सर्फेस एनक्लोज विद इन द सर्फेस मतलब यह बोला गया कि जो फाइव है वो डायरेक्टली प्रपोशनल है किसके चार्ज एनक्लोज चार्ज एनक्लोज बहुत बड़ी बात बोली है भाई चार्ज एनक्लोज होना चाहिए सर्फेस के अंदर होना चाहिए सर्फेस क्या करे चार्ज को अपने अंदर समा के रखे उस वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है आपका क्या ये फाइव ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस वन अपॉन एप्सलन टाइम एप्सलन नॉट टाइम्स वन अपॉन एप्सल नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाई दर्फेस अच्छा बाय नेट चार्ज सरफेस अब मान लीजिए कि एक से हमारा बोलना ये होता है क्लोज सर्फेस का मतलब ये होता है कि आप उसमें दो रीजन बना पाओ क्लोज सर्फेस का मतलब ये होता है कि आप दो रीजन बना पाओ एक इनसाइड रीजन एक आउटसाइड रीजन अगर आप ये दो अलग अलग रीजन नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपका सरफेस क्लोज नहीं कहलाएगा मेरी बात समझ में आई हाँ सर समझ में आ गई जैसे सर्कल है अब सर्कल में क्या अंदर है क्या बाहर है क्या इनसाइड है क्या आउटसाइड आपको समझ छोड़ना आएगा लेकिन स्फीयर में एनक्ल्ड आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर इनसाइड रीजन कहलाएगा और इसके बाहर आउटसाइड रीजन कहलाएगा तो वहां पर आपने क्लोज सर्फेस बना लिया है ठीक है ना यहां पर क्या बोला गया है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस अच्छा मान लीजिए कि इसके ने एक नेट चार्ज एनक्लोज करके रखा हुआ है प्लस क्यू एक्स स्फीयर ठीक है ना ये क्या है भाई स्फीयर है ठीक है अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें पहले कैलकुलेट करना है ठीक है ना कितना फ्लक्स निकलेगा हर डायरेक्शन में ये देखो भैया ये 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 ये, ये. कितना फ्लक्स निकलेगा तो यहां पर हमको गौस भाई साहब ने बताया कि जो फ्लक्स निकलेगा फ्लक्स जो निकलेगा और ये फ्लक्स किसका है थ्री डी का थ्री डी क्लोज्ड क्लोज ये किसके बराबर होगा ये होगा क्यू एनक्लोज ये बात बिल्कुल याद रखना है भूलना नहीं है क्यू क्या होना चाहिए एनक्लोज होना चाहिए तो Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एप्सलन नॉट डि नॉट मतलब क्या हुआ इसका मतलब इसका ये हुआ कि गोस भाई साहब के हिसाब से एक सरफेस है कोई भी सरफेस हो कैसा भी सरफेस हो लेकिन कैसा होना चाहिए थ्री डी सर्फेस होना चाहिए ठीक है ना कोई शेप हो साइज हो अब उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है तो बोला गया कि अगर उस थ्री डी के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है अंदर अंदर बाहर नहीं अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसका उस पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा दे दिया क्यू अपॉन एप्सल नॉट फटाक से

गौस भाई साहब ने बताया तो सबको मानना ही पड़ेगा आप उसको गलत तो बोल नहीं सकते बड़े लोग हैं भाई वो ठीक है लेकिन आप कुछ हमको ऐसा बता दीजिए ना सर करके कि हमें लग जाए दिल पे कि हाँ ठीक है ये ऐसा कुछ होता होगा ठीक है तो मैंने कहा चलो चलते हैं आगे वैसे इसका तो ऐसा कोई प्रूफ है नहीं हमारे पास बट एक तरीका है उस तरीके से हम देख लेते हैं कि क्या ये जो चीज बताई गई है फॉर्मूला हमको जो बताया गया है वो सही है या नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है एक स्फीयर लिया है उसको डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हमको छोटे छोटे एलिमेंट काटने हैं ना आपको दिख रहा है कि नहीं मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर सुमित भाई साहब से कि ये दिख रहा है क्या सुमित भाई साहब ये दिख रहा है क्या बढ़िया परफेक्ट है चलिए सुमित भाई साहब ने बोला है मतलब दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने ऐसे डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया चाहिए ठीक है तो ये एक 3D है सबसे पहले लिख दो यार नहीं तो यहाँ पर क्या है ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये एक थ्री डी है ये एक थ्री डी है जिसको हम क्या बोलेंगे बोलेंगे क्या है भाई ये स्पियर ठीक है ना इसके अंदर इंक्लोज किया हुआ है मैंने एक चार्ज ठीक है ओके अब मैंने बोला कि सुनो ना ये जो प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलेगी क्या बिल्कुल निकलेगी अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी बिल्कुल अवे फ्रॉम द चार्ज मैंने क्या करा बना दी ऐसे फील्ड बना दी ठीक अब मैंने बोला कि यार सुनो यहां पर अगर मैं छोटा सा डी ए एरिया ले लू ये डी ए एरिया ले लू तो मैं इस डी एरिया का फ्लक्स निकाल सकता हूं अरे भाई यहां पर क्या है अलग 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 एरिया है ना समझ रहे, हो नहीं समझ रहे हो, चोटे -चोटे 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 से इंटीग्रेट कर दूंगा, कर दूंगा तो मेरे पास पूरे से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा हमको चेक करना है ना कि पूरे स्फीयर से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो क्यू जो गॉस भाई साहब ने बताया है, है? तो मैंने बोला कि एक छोटा सा डी एलिमेंट लेता हूँ डी एलिमेंटल एरिया लेता हूं उससे देखता हूँ कितना फ्लक्स निकल रहा है और ऐसे छोटे 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 डीए बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे उनको जोड़ दूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा ये मेरे दिमाग में चल रहा था ठीक है मैंने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हैं सो दिस इज योर डी ये एरिया है आपका डी ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ओके अब ये जो डी है इसका एरिया वैक्टर भी तो होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस अरे परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ये देखो डी ए वैक्टर हो गया आई बात समझ में नहीं। हाँ सर, ये वेक्टर हो गया। ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है अगर मुझे यहां से फ्लक्स निकालना है वो आप कैसे निकालोगे ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर करके मानते हो कि नहीं मानते अरे हाँ कि ना हाँ सर तो इनके बीच में फॉर्मूला लग जाएगा भैया डॉट प्रोडक्ट का ई डी ए कॉस कितना एंगल है जीरो One. तो हम बोल सकते हैं यहाँ डी फाइव कितना आ रहा है ई इन डी आ रहा है ठीक है ना ये पहले एलिमेंट के लिए मैंने कहा चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल तो नहीं रही है अच्छा इस स्फीयर का रेडियस कितना है स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर ठीक है ना मैंने दूसरा एलिमेंट लिया भाई आओ ये दूसरा एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया ये दूसरा एलिमेंट लिया इसका एरिया हुआ डी एरिया इससे कितनी फील्ड निकलेगी उतनी ही फील्ड निकलने वाली है इससे भी देख लीजिए इ e. क्या फील्ड दोनों बराबर है क्या दोनों फील्ड बराबर होंगी फील्ड का फॉर्मूला क्या है फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मानते हो कि नहीं मानते तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी वही होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना तो दोनों जगह क्या है मैग्नीट्यूड एकदम सेम है ठीक है चलिए वेरी गुड के को हम क्या लिख सकते हैं है ना के को हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर अच्छा एक एलिमेंट और चेक कर लेता हूं मैं बदल तो नहीं रही एक element, एक एलिमेंट आप यहां पर ले लो ये एलिमेंट मैंने फिर से लिया ये डी एलिमेंट है है ना से मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी अवे फ्रॉम द चार्ज ये भी ई e ही होगी और इसकी वैल्यू यही होने वाली है ठीक है ना चलिए वेरी गुड यहां पर ये डी ए है हाँ कि ना यहां पर ये डी ए है है कि नहीं हर जगह आप देख रहे हो कि थीटा कितना आ रहा है Zero degree. थीटा कितना आ रहा है Zero degree. समझ रहे हो कि नहीं तो अब देखो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप निकालते जाओगे और उनको क्या कर दोगे साथ में जोड़ दोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाने वाला है तो अब ऐसे डीए डीए कब तक करते रहोगे तो हमने बोला हमको इंटीग्रेशन आता है तो हम ये हरकत नहीं करेंगे चलो तो मैंने बोला कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है क्या निकालना है टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो सारे छोटे छोटे डी फाई को ठीक है सारे सारे छो, सारे छोटे-छोटे को इंटीग्रेट करना मतलब ई इंटू डी ए को इंटीग्रेट कर देना ई डॉट ईडीए को क्या कर देना इंटीग्रेट कर देना हर जगह थीटा जीरो है ना हर जगह थीटा जीरो है ईडीए ही आने वाला है ना ये देखो ऐसा आता रहेगा ईडी फिर एक एलिमेंट उठाओगे उससे छोटो सा फ्लक्स निकालोगे वो भी कितना आएगा ईडी आएगा तो अभी ई ईडीए ईडी हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है हाँ सर कहीं से भी देख लो यहां देख लो यहाँ देख लो यहाँ देख लो यहाँ देख लो कहीं से भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है सेम आने वाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम बाहर उसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं तो टोटल फ्लक्स जो आने वाला है टोटल फ्लक्स थ्रू दिस दिसर इस चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स निकलने वाला है इस से बाहर वो कितना आएगा

और गौस भाई साहब क्या बोलते हैं गौस भाई साहब ये बोलते हैं गौस भाई साहब ये बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा है ना वो होगा Q अपॉन एप्सलन नॉट टाइम्स ये और ये तो कहीं से मैच नहीं कर रहे सर मैंने कहा बोल तो सही रहे हो हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यहाँ से उठाते हैं देखो ये फार्मूला मैं यहाँ से उठाऊँ हाँ सर उठाओ ना बिल्कुल उठाओ तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है उसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ अरेंज कर रहा हूँ कि ई की वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एप्सलन नॉट फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कट गया फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कट गया अरे ये क्या आ गया भाई ये क्या आ गया ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये क्या आ गया सर ये तो गौस लो ही है ये तो गॉस लॉ ही है जो गॉस भाई साहब ने बताया था वही तो आ गया वन Q times, जो टोटल चार्ज, चार्ज आई बात समझ में हाँ सर समझ में आ गई चलिए भाई तो यहां से हमको एक चीज कंफर्म हुई कि गौस भाई साहब ने एक बहुत बड़ी चीज हमको बता दी है और बहुत आसान तरीके से बता दी है नहीं तो हमको ये सब करते रहना पड़ता है है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार निकालना आसान तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी टफ चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही की वैल्यू हाँ सर तो भाई गौस भाई साहब ने बोला कि ये सब स्किप करो ये छोड़ो मेरी बात सुन लो कि अगर आपको कोई थ्री डी सर्फेस दिखे और उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज हो टोटल चार्ज इनक्लोज हो उस टोटल इन्क्लोज चार्ज को आप रखो डिवाइड कर दो एप्सल नॉट वैल्यू से और ख़त्म आपके पास वही फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जो आप निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे अच्छा सर ठीक है सर मतलब आप ये बोल रहे हो क्या सर चलो मैं यहाँ काली स्लाइड यूज कर लेता हूं तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो टोटल फ्लक्स है है ना जो टोटल फ्लक्स है किसका थ्री डी का है ना किसका थ्री डी का जो टोटल फ्लक्स है वो और कुछ नहीं वो है क्यू अपॉन एप्सलन नॉट टाइम्स क्यू अपॉन एप्सलन नॉट ठीक है ना क्यू क्या है क्यू इज़ द एनक्लोज चार्ज ये एनक्लोज होना चाहिए भैया थ्री डी सर्फेस के अंदर बंद होना चाहिए बाहर नहीं होना चाहिए अंदर बंद होना चाहिए ठीक है ओके ये किसके बराबर होगा आपने जो इंटीग्रेशन से निकाली है चीजें आप जो इंटीग्रेशन से निकालने के लिए बोल रहे थे चीज़ें है ना इंटीग्रेशन से निकालने के लिए जो चीज़ें बोल रहे थे हम ये मेहनत कर रहे थे अभी तक हम अभी तक ये मेहनत करते हुए आ रहे थे है ना गौस भाई साहब ने बोला नहीं ये करने की जरूरत नहीं है ये कर लो भाई ये आपको आसान पड़ेगा तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे क्लोज सर्फेस में इंटीग्रेशन करते थे ये जो मैंने रिंग बनाई मतलब है, है इसका मतलब इंटीग्रेशन हुआ क्लोज सर्फेस पे इंटीग्रेशन क्लोज सर्फेस पे इंटीग्रेशन क्लोज सर्फेस पे इंटीग्रेशन बात समझ में आई हाँ सर तो आप ये नहीं करते आप ये करते हैं अच्छा आगे जाके और सारी चीजें पता चलेंगी कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि हम ये लगा पाएं या नहीं लगा पाए हमेशा लगेगा ये हमेशा वैलिड होगा क्या होगा ये हमेशा वैलिड होगा लेकिन आप कितना यूज कर पाओगे ये आपके ऊपर है क्योंकि तो दिक्कत देगा आगे जाके थोड़ी दिक्कत देगा है ना इट इज ऑलवेज ट्रू ऑलवेज ट्रू इट इज ऑलवेज ट्रू चलो बहुत बढ़िया बात समझ में आई कि नहीं हाँ सर समझ में आ गई ठीक है ना तो एक प्रूफ टाइप का मैंने आपको ये दिखा दिया वैसे तो, तो प्रूफ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ करके, कि Q करके देखा है देखो वही वैल्यू आ रही है मैंने एक चीज देखी यहां पर कि रेडियस का और रेडियस का स्क्वायर कट गया है ना मतलब अगर ये स्फीयर साइज में और बड़ा होता मान लो स्फीयर का साइज

क्या है भैया ये एक गॉसियन सरफेस है ठीक है सर ओके बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे बात करी अभी रेडियस के बारे में साइज के बारे में द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अब आप ये देखो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द गॉसियन गर्फेस बोलना चाहिए साइज ऑफ द गॉसियन सर्फेस साइज ऑफ द दर्फेस ठीक है ना सरफेस बोलना ज्यादा सही रहेगा अब ध्यान से देखो यहां पर हमने वही चार्ज रखा अपना प्लस क्यू चार्ज ठीक है ना इसकी रेडियस है r इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r ठीक मैं लेकर आया आपको मैंने बोला कि बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा आन पूछा पहले सरफेस से दूसरे सरफेस से कि तीसरे सरफेस से मैंने कहा तीसरे सरफेस से बताओ कितना निकलेगा तो आपने बोला सर तीसरे सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा हो वो होगा तीसरे सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो होगा सर Q upon epsilon सीधे आपने बोल दिए ना आओ देखा ना मैंने कहा ऐसा क्यों आपने बोला अभी आपने हमको पढ़ाया है सर क्या पहले तो आप ये बताओ मैंने कहा थ्री डी सर्फेस है ये क्या है एक थ्री तो डी सर्फेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज एनक्लोज है तो वो कितना फ्लक्स जनरेट करेगा कितना फ्लक्स उस सरफेस से बाहर निकलेगा वो होगा Q अपॉन एप्सलन नॉट टाइम्स ऑब्वियस बताओ पहले वाले सरफेस से कितना निकलेगा है ना यहां लिख देता हूं साइड में मैंने बोला कि पहले बताओ थर्ड वाले सर्फेस से कितना निकलेगा आपने बोला क्यू अपॉन एप्सलन नॉट मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा चलो पहले वाले सर्फेस से बताओ तो आपने बोला क्यू अपॉन एप्सलन नॉट अरे मैंने कहा बदलेगा नहीं क्या नहीं क्यों बदलेगा जितना अंदर से निकल रहा है उतना ही तो बाहर जाएगा भाई जितना अंदर से फ्लक्स आ रहा है उतना ही तो बाहर जाएगा हाँ सर ठीक है ओके 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 इसका मतलब फाइव टू भी जो होगा सेकेंड सरफेस से वो भी क्यू अपॉन एप्सिलन नॉट टाइम से होने वाला है अब आप देखो ना यहां से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा

इन एरिया फोर पाई आर कि नहीं मानते हाँ सर मानते हैं मैंने बोला कि सुनो ना आर छोड़ के अब रेडियस बढ़ाओ और सेकेंड वाले सरफेस को देखो जिसका जगह भी तो मैंने, मैंने आर की जगह क्या पुट कर दिया टू आर का स्क्वायर टू आर का स्क्वायर ठीक फिर वही बात फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा टू आर स्क्वा टू आर का स्क्वायर कट जाएगा फिर क्या क्यू अपन नॉट आया कि नहीं आया आ गया सर अब इसी में मैं अगर बोल दूं कि सुनो रेडियस ना थ्री आर कर दो अब तो मैं बदल के ही रहूंगा फ्लक्स मैं कहा देख लो कर लो कोशिश अगर बदल पाओ फ्लक्स तो मैंने बोला ये, थ्री टाइम्स ऑफ R का स्क्वायर इंटू फोर पाई इंटू थ्री टाइम्स ऑफ R का होल स्क्वायर ये थ्री थ्री आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर कट गया फिर से ये फोर पाई कट गया फोर पाई कट गया क्या आ गया, गया, गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया इसका मतलब बिल्कुल सही है कि जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ सरफेस पे फ्लक्स को कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप अपने सरफेस का साइज चेंज कर दो तो क्यों क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है यार हमारे पास जो फॉर्मूला है अपॉन नॉट आपको कहीं साइज का कोई साइज का कुछ दिख रहा है क्या एक्स वेक्स आर वार कुछ दिख रहा है क्या नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है वो भी चार्ज कैसा होना चाहिए चार्ज इनक्लोज होना चाहिए मैं बार बार चीख चीख के चीज बोल रहा हूं भूलना नहीं गलती मत कर देना अभी कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके देखना चार्ज इनक्लोज होना चाहिए सरफेस के अंदर चलो बढ़िया ये बात हो गई सर अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की जैसे आपने यहाँ बोला क्लोज सरफेस इस क्लोज सरफेस के ना हमसे साइज़ की बात की गई अगर साइज़ की बात नहीं की गई है तो शेप की बात भी कहाँ की गई है सर हाँ तो बिल्कुल सही है आप कुछ गलत नहीं बोल रहे साइज़ की बात नहीं की गई तो शेप की बात भी नहीं की गई अब आप देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग शेप के तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए हैं सर्फेसेस लिए हैं सब थ्री डी सर्विसज है सब के सब क्या है भाई सब के सब थ्री डी सर्फेस एक है सिलेंडर एक है कोन और एक है क्यूब ठीक है ना सब सी सही है सिलेंडर कोन एंड क्यूब वाह सही बात है हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये सिलेंडर के अंदर मैं एक चार्ज रख दूँ प्लस क्यू है ना इस कोन के अंदर मैं चार्ज रख दूँ प्लस क्यू एनक्लोज चार्ज है चार्ज एनक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ सर थ्री डी के अंदर चार्ज एनक्लोज हो रहा है ठीक है और आपसे पूछू कि बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है कितना फ्लक्स निकल रहा है तो आपने बोला लो बता देते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है फ्लक्स निकालना बता देते हैं अरे बता देते हैं फ्लक्स निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है बिल्कुल <coughs> बता देते हैं कितना आपने बोला रहे अब भी तो पढ़ाया आपने हमको फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सलन नॉट ये Q क्या है भैया इनक्लोज चार्ज ठीक यहाँ पर ये भी कौन के अंदर एनक्लोज चार्ज रखा हुआ है तो यहां पर भी जो आपका फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा क्यू अपॉन नॉट मानते हो कि नहीं मानते हाँ, सर, मानते सर यहां 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 पर पर तो, पर अगर पर अगर अगर मैं आपसे 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 तो तो क्यूब में क्यूब के केस में पूछू तो क्यूब के केस में भी क्या होगा भाई ये लो आंसर बता दो फटाफट क्यूब के केस में भी आपका जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलन नॉट मानते हैं आप कि नहीं मानते बिल्कुल मानते हैं सर तो यहां पर शेप पर भी ये चीजें डिपेंड नहीं करती गौस भाई साहब ने जो आपको फॉर्मूला दिया है वो ना साइज पर डिपेंड करता है ना शेप पर डिपेंड करता है ठीक है पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये चीज भी हमको क्लियर हो गई है आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस ये काम की बातें आप समझना बहुत काम की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला पॉइंट है फ्लक्स इनकमिंग इज टेकन एज नेगेटिव एंड फ्लक्स आउट गोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव ये तो आपको पता ही होगा जो इनकमिंग होता है तो उसमें एरिया वेक्टर आपका अपोजिट चला जाता है 180 डिग्री का एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वन डिग्री का एंगल बन जाता है तो नेगेटिव हो जाती है तो सिंपल सी बात है तो जो फ्लक्स इनकमिंग होगा उसको आप नेगेटिव लोगे नेगेटिव बोलोगे और जो फ्लक्स आउट होगा उसको आप पॉजिटिव बोलोगे ठीक है नेक्स्ट इफ नो नेट फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज सर्विस अगर कोई क्लोज सर्फेस है और उससे कोई नेट फ्लक्स नहीं है निकल रहा ठीक है ना E may be, may not be zero. Electric field intensity may not be zero, but the flux of electric field must be zero and the net charge enclosed must be zero. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपका फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या आ गया अगर आपका ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो अगर किसी surface से निकलने वाला अगर आपका फ्लक्स क्या आ गया नेट जीरो आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो बट सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो अरे जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपका स्फीयर है ठीक है ना ये आपका क्या है स्फीयर है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने से निकल गई है ना पेनीट्रेट नहीं कर रही अंदर नहीं जा रही सामने से निकल जा रही है भैया है ना सामने से निकल जा रही है कि एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना ले 90 डिग्री का एंगल बना ले तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का

और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ रहा था जीरो आ रहा था कि नहीं तो वही चीज तो बोली है कि यहां पर अगर नेट इलेक्ट्रिक्स उल्टा बोल दिया अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया तो बोल दो कि भैया कोई चार्ज है ही नहीं है ना ये मत बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ये मत बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट हो सकता है वो नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रही होगी एरिया वेक्टर के साथ ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नो नेट फ्लक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गोशियन सर्फेस बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कमिंग इन टू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गोइंग आउट ऑफ द दर्फेस अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्फेस है आपके पास देखिए कोई सर्फेस है ना ये कोई सर्फेस है गोशियन सर्फेस है ना कैसा भी हो सकता है शेप ये मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको गोशियन सर्फेसियन सर्फेस है ना एक चार्ज है बाहर ये बाहर चार्ज रखा हुआ है ठीक मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितना फ्लक्स जाएगा कितना फ्लक्स होगा निकलेगा इससे बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा सरफेस से तो आप बोलोगे सर हमारे पास फार्मूला है फ्लक्स का और वो है फाइव इज इक्वल टू तो क्यू अपॉन एप्सन नॉट तो इतना फ्लक्स निकलेगा इस सर्विस से मैं बोलूंगा एकदम गलत बहुत गलत इतना ज्यादा गलत कि पाप पड़ेगा आपको क्यों क्योंकि हमेशा मैंने ये बात बोली है कि जो चार्ज आप लोगे वो चार्ज क्या होना चाहिए एनक्लोज होना चाहिए ये चार्ज इनक्लोज है क्या नहीं ये तो सर्विस के बाहर है ना ये तो सरफेस के बाहर है तो इस चार्ज से कोई भी फ्लक्स नहीं बनने वाला है इस चार्ज से कोई भी फ्लक्स नहीं बनने वाला है जो इस क्वेश्चन सर्फेस से निकलेगा आई मेरी बात समझ में हाँ सर ठीक है ओके यही चार्ज जब प्लस क्यों अंदर चला जाएगा जब अंदर चला जाएगा तब यह क्या जनरेट करेगा फ्लक्स जनरेट करेगा मेरी बात समझ में आई अच्छा सर बाहर जब यह चार्ज था जब यह चार्ज बाहर था तो क्यों नहीं जनरेट कर रहा है ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी इससे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकलेंगी अच्छा आओ देखते हैं देखो मान लीजिए देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है जा रही है अंदर बाहर निकल रही है अंदर जा रही है सरफेस के बाहर निकल रही है तो फ्लक्स तो बनना चाहिए अगर आप देखो यहाँ पर ये एरिया आप देखो छोटू सा एरिया है ना डी ए यहाँ से आपका फ्लक्स एंटर करेगा है ना और ये है क्या भाई छोटू सा एरिया पीछे की तरफ है ना यहाँ से क्या करेगा फ्लक्स एग्जिट करेगा तो आप देख सकते हो कि यहां से जो इनकमिंग है और यहां से जो आउट गोइंग है एक दूसरे को क्या कर देगी कैंसिल आउट कर देगी क्यों कैंसिल आउट कर देगी अरे आप खुद सोचो ना आप खुद सोचो कि यहां से एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में दिस इज द एरिया वेक्टर है ना छोटा सा एरिया वेक्टर कर देता हूँ डी एरिया वेक्टर ठीक है ना और यहाँ से होगा एरिया वेक्टर इधर छोटू सा एरिया वेक्टर आप देख सकते हो यहाँ जो थीटा है वो कितना है वन डिग्री यहाँ जो थीटा है वो है ज़ीरो डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये क्या होगा मैग्नीट्यूड में बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट ले लिया हमने तो ये क्या होगी भैया बराबर होगी नहीं भी होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट तो कोई दिक्कत नहीं है एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे ये वाली वैल्यू इसको क्या कर देगी कैंसिल आउट कर देगी सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा हो यहाँ पर भी वही होने वाला है 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 तो जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी लाइन एग्जिट भी कर रही है इसलिए यहाँ पर बाहर अगर कोई चार्ज होता है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं बनता क्लियर क्लियर बात हाँ, दब, बात सर एकदम है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज साइडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स अच्छा मतलब अगर कोई आपके पास गॉसियन सरफेस है है ना अंदर चार्ज रखा हुआ है Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज रखे हुए हैं ठीक है ना और बाहर रखा हुआ है Q4 तो आपको पता है कि बाहर वाले चार्ज से तो कोई फ्लक्स नहीं बनने वाला बाहर वाला चार्ज कोई फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा तो अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना है टोटल फ्लक्स कितना है है ना तो यहाँ पर टोटल इंक्लोज चार्ज देखना है एक चार्ज को नहीं देखना है तो टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है क्यू वन प्लस क्यू टू एंड प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आई बात समझ में हाँ सर समझ में आ गई तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टोटल चार्ज को इंक्लूड करते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स चलो वेरी गुड नेक्स्ट इज इन गॉश लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन साइड एंड आउट साइड दी गोशिंग सर्फिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप प्लीज स्टार मार्क करोगे और समझोगे ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट देखो आपने टोटल फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमें बताया क्यू एन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सल क्यू एन क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सल नॉट है ना और यही किसके बराबर था ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर के डी ए वैक्टर के याद आया कि नहीं याद आया हाँ सर बिल्कुल याद आया मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो क्यू एनक्लोज है ज़रा समझने की कोशिश करूँ जब आप टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो तो आप वो चार्ज इंक्लूड कर रहे हो वो चार्ज इंक्लूड कर रहे हो, कर रहे हो जो सरफेस के अंदर है जो गौशियन सर्फेस के अंदर है आई मेरी बात समझ में अब मान लीजिए कि यार ये चार्ज जो बाहर रखा हुआ था क्यों फोन भाई ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना थोड़े ना छोड़ देगा ये अपनी फील्ड तो बनाएगा अंदर वाले चार्ज भी अपनी फील्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ये आपका ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो है ना कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी ये मान लो और डी ए वैक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है ना ये मान लो डी इस डायरेक्शन में तो इस पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालोगे ना देखो आप टोटल फ्लक्स दो तरीके से निकाल सकते हो या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से इस तरीके अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सरफेस के अंदर वाले चार्ज को बस देखना है बाहर वाले चार्ज को नहीं देखना ठीक है ना लेकिन अगर आप हायर मैथ्स लगा रहे हो भैया आप बोलोगे नहीं हमको इससे नहीं करना हो सकता है कि आपका आंसर इससे नहीं आ रहा हो आपको थोड़ा और लेवल बढ़ाना हो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो हर हर दूसरे एरिए पर डी ए डी ए डी ए डी डे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकती है तो आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली मेथड अपना रहे हो अरे सही देखो ना भाई <coughs> इसकी दूरी यहाँ अलग है यह हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहाँ निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दूसरी आ जाए नहीं आएगी क्या बिल्कुल आ सकती है अरे देखो ना कितना दूर है इससे हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है है ना तो आप सीधे वहां पर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सन नॉट नहीं यूज़ कर पाओगे आपको ये मैथ्स लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा थोड़ा हैवी करना पड़ेगा कैलकुलेशन ठीक है सर लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तीनों चारों चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना वो यही बात समझ में अरे देखो फिर से ये है आपका सरफेस ठीक है ना ये आपका सरफेस है यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू वन बाहर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू टू ठीक आपने बोला कि हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है कैलकुलेट करनी है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार इसके कारण भी आ सकती है इसके कारण भी आ सकती है तो यहां पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना इसका भी इफेक्ट यहां फील होगा इसका भी इफेक्ट यहां फील होगा तो जब आप टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मुला लगाओगे तो इस फॉर्मुले में जो ई e की वैल्यू है वो एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों के कारण आएगी ठीक है ना तो यहां पर जो ई e है एक्चुअल में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज अगर होता यहां सिर्फ चार्ज होता तो आप चार्ज को यहां इंक्लूड नहीं करते इस फॉर्मूले में चार्ज सिर्फ आपको चाहिए सरफेस के अंदर वाला लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका भी योगदान होगा इसका भी योगदान होगा यही चीज लिखी हुई है यहां पर ध्यान से देखिए <coughs> कहा लिखा है इन गोशेज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दट फील्ड नेट फील्ड देखो 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 नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑल चार्जेस ऑल चार्जेस ऑल चार्जेस भैया सारे चार्जेस के कारण आप निकालोगे अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे यहां इंटीग्रेशन करोगे उसमें इंटीग्रेशन का यूज करोगे लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज सिर्फ एनक्लोज वाला लोगे जिसको आप एप्सल नॉट से डिवाइड करोगे उससे आपका फ्लक्स आ जाएगा लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होनी चाहिए बात अपने दिमाग में प्लीज डाल लो पक्का हां सर ओके 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 बहुत बढ़िया ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड दी क्वेश्चन सर समझ गए कि नहीं समझ गए चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालोगे आप चलो नेक्स्ट पॉइंट द गोशियन सर्फेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब ये सर्फेस क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए ये एक बात है इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हालत टाइट हो जाएगी सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या हो जाएगी हालत टाइट हो जाएगी चलिए तो यहां पर आपको अच्छा एक चीज मैं आपको बता दू इंपॉर्टेंट यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं बट यहाँ से जो पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हो ना ये सारे आपके आते हैं एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है बनकर कि कंडीशन बताइए गॉस लॉ लगाने की तो ये जो नीचे वाले जो पॉइंट है ना यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअल में कंडीशन है गॉस लॉ लगाने की जब आप गॉस लॉ लगाते हो तो आपका जो गॉसियन तो सर्फेस आप बनाते हो ना वो चार्ज के अराउंड इस तरीके से बनाते हो कि सिमेट्री बनी रहे है ना क्या बनी रहे सिमेट्री बनी रहे अगर सर सिमेट्री नहीं बनी होगी तो नहीं बनी होगी तो भी गॉस लॉ लग जाएगा तो भी गॉस लॉ वैलिड होगा बट वो बड़ा टफ हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा उसे कैलकुलेट करना क्योंकि सिमेट्री बिगड़ जाएगी फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते रह जाओगे बहुत दिक्कत होगी आपको इसलिए हम क्या करते हैं गोशियन सरफेस तरीके से बनाते हैं कि वो चार्ज के अबाउट क्या हो क्या हो सिमेट्रिक हो चलिए वेरी गुड नेक्स्ट द फील्ड लाइन आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कौन सी वाली देखो मैं आपसे इतना दूर हूँ फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया मैंने आपको कुल मिलाकर इतना समझाया है इतना बताया है मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ किस पॉइंट की ये स्टार वाले कि जब आप फ्लक्स निकालते हो जब आप फ्लक्स निकालते हो तो आप कौन सा चार्ज कंसिडर करते हो जो गोशियन सरफेस के अंदर हो जो सरफेस के अंदर बंद हो आई मेरी बात समझ में बाहर के चार्ज से आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले या मैं बोलूँ इस मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करते हो अपना क्या फ्लक्स तो इसके लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हो ड्यू टू ऑल चार्जेस होती है ड्यू टू ऑल चार्जेस चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो सर किसके मेरी बात समझे कि नहीं समझे हाँ सर समझ गए पक्का हंड्रेड परसेंट देखो ये तो गौस भाई साहब ने बताया ना ये तो आपको गौस भाई साहब ने बताया इससे पहले आप क्या कर रहे थे ये तो आपको गौस भाई साहब ने बताया इससे पहले आप क्या कर रहे थे इससे पहले तो आप यही कर रहे थे मैथ्स लगा रहे थे सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे थे है हाँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे एरिया वैक्टर के साथ यही तो करते आ रहे थे ना वो सब खत्म किया किसने गौस भाई साहब ने लेकिन अगर आप यही मैच लगा कर क्या निकालते हो आ, फ्लक्स निकालते हो तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ना वो ड्यू टू ऑल चार्जेस निकालोगे बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं वो रिजल्टेंट होगा हर चार्ज के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है ना प्लीज इस बात को आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट 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 नेक्स, आ गई द फील्ड लाइन मस्ट बी सिमेट्रिक एंड कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सर्फिस अगर ऐसा होगा तो अच्छे से आप क्या क्या लगा लोगे अपने गॉस लॉ को लगा लोगे नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी बहुत दिक्कत होगी क्यों दिक्कत होगी अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा यार मैथ्स आपका टफ हो जाएगा और मैथ्स टफ हो जाएगा तो फिर हमसे बनेगा नहीं और हमारे सिलेबस में भी नहीं है हमारे वो सिलेबस में भी नहीं है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हर जगह पर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा बताया भी था मैंने आपको एक स्पियर वाला केस कराया ना उसमें हर जगह देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कॉन्स्टेंट थी अरे देखो ना अभी दिखाता हूं मैं आपको इसको मिटा के अगर मान लो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ व्हाट इफ इट्स नॉट देन मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर गॉस लॉ तब भी वैलिड है लेकिन निकालने में बड़ी दिक्कत होगी फिर फिर आपको फ्लक्स निकालने में बड़ी दिक्कत होने वाली है आई बात समझ में हाँ सर समझ में आ गई अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट वाला केस जरा समझना हमने जब यहां पर फीयर देखा था तो आपको याद हो गया मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा था यहां से मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आपने कहा कि रेडियस है कैपिटल आर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वन अपॉन फोर पाई एफ्सलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर याद करो है ना यहाँ मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आपने बोला था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये और इसकी वैल्यू होगी वही वन अपॉन फोर पाई एफसेलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हाँ की ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह क्या है कॉन्स्टेंट बनी हुई है ठीक है ना तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस सेम वही केस है सेम वही केस है क्या होना चाहिए एंगल हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अच्छा दो ही टाइप के एंगल आपको देखने को मिलेंगे या तो जीरो डिग्री मिलेगा या तो नाइन्टी डिग्री मिलेगा बस इससे ज्यादा आपको कोई एंगल देखने को नहीं मिलेंगे हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ यहाँ जब आपने प्लस क्यू चार्ज रखा था यहाँ से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी है ना आपने बोला था कि एरिया वेक्टर ये छोटू सा एलिमेंट है छोटू सा एलिमेंट है डी एरिया का ठीक है ना इससे आपने निकाली क्या ये आपका डी एरिया वेक्टर है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपने बोला था थीटा कितना है जीरो डिग्री हाँ की ना तो अब ये थीटा हर जगह एक जैसा होना चाहिए ये यही पॉइंट लिखा हुआ है ना उसमें हाँ सर यही पॉइंट लिखा हुआ है तो आप ये चेक कर लो ना चेक कर लो लो यहाँ पर आपने देखा ये डी एलिमेंट आपने कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये बनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी एरिया वैक्टर कैसा बनेगा ये आपका एरिया वैक्टर बना डी एरिया वैक्टर हाँ की ना हाँ अब यहाँ पर थीटा वापस क्या है जीरो डिग्री तो अब हर पॉइंट पर देख लो थीटा बदल नहीं रहा है मतलब एरिया वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच में एंगल है वो सेम रहने वाला है हर जगह ठीक है ना अगर नहीं होता तो नहीं होता तो फिर भी आप घोसियन लॉ को वैलिड ही मानोगे लेकिन निकालना फ्लक्स बड़ा टफ हो जाएगा फिर अदरवाइज टफ टफ हो जाएगा आपका क्या निकालना फ्लक्स निकालना है ना और वो हमारे सिलेबस में नहीं टेंशन मत लो नेक्स्ट गौशियन सर्फेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज अब जैसे आपने गौशियन सर्फेस बनाया आपने गॉसियन सरफेस बनाया देखो ये आपका गॉसियन सरफेस है ठीक है ना ये गॉसियन सरफेस है जो आपको स्फेरिकल दिख रहा है अब मान लो प्लस क्यू चार्ज इधर होता तो ये प्लस क्यू चार्ज को काटना नहीं चाहिए आपका जो गॉसियन सर्फेस है वो प्लस क्यू चार्ज को काटे नहीं अगर वो पॉइंट चार्ज को काट रहा है तो फिर वो गॉसियन सर्फेस नहीं रह जाएगा क्लियर है वो फिर एक थ्री डी सर्फेस एक अनदर थ्री डी सर्फेस बन के रह जाएगा लेकिन वो गॉसियन सर्फेस नहीं होगा क्या मेरी बात समझ में आई हाँ सर समझ में आ गई चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो यह है भैया गॉस लॉ बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आएगी अभी सिर्फ पढ़ने से हो सकता है आपको समझ में ना आए लेकिन हाँ जैसे ही आप क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आइए वॉट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एस वन एंड एस टू वॉट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू ठीक है मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू ठीक है ना यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मैं बोलता हूँ टू क्यू चार्ज है है ना यहाँ क्यू चार्ज है और यहाँ टू क्यू चार्ज यह है आपका सरफेस वन और यह है आपका सरफेस टू तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू ठीक है भाई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालने निकालना चाहे सरफेस वन से तो वो क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या सरफेस वन से हाँ सर अगर हम निकालना चाहे सरफेस टू से तो वो होगा Q1 वन प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई टोटल इनक्लोज चार्ज देखते हैं ना तो टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया क्यू प्लस टू क्यू यानी कि थ्री क्यू डिवाइड बाय एप्सलन नॉट हाँ कि ना हाँ रेशो पूछा है उसने तो आओ रेशो निकालते हैं एस वन अपॉन एस टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सलन नॉट इन टू नॉट अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ क्यू ये क्यू से आपने क्यू काट दिया एपसन नॉट सेन काट दिया कितना आ गया वन टू थ्री कितना आ गया टू थ्री बात समझ में आई कि नहीं आई आई सर बहुत आसान था कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था आगे बढ़ते हैं. Next देखते हैं. देखते क्या क्या है? Next क्या है? फिगर फाइंड आउटर ओके 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 समझेंगे यहां पर एक आपको क्या दी हुई स्क्वायर प्लेट टाइप की सरफेस टाइप का दिया हुआ है यहां से a उपर. कितना ऊपर ए बाई टू दूरी पर यहाँ से ए बाई टू दूरी ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू चार्ज ठीक है ना और ये जो स्क्वायर प्लेट है इसकी इसके साइज आप कितना ले लो ए, ए ले लो साइड आप ले लो ए ठीक है वो पूछ रहा है कि बताओ इस प्लेट से इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ड्यू टू तो दिस चार्ज क्यू अब आपने बोला यार सिमेट्री टाइप की कुछ बनानी चाहिए सिमेट्री टाइप की कुछ बनानी चाहिए तो आसान हो जाएगा निकालना तो हम सिमेट्री कैसे बनाएं देखो तो सिमेट्री बना लोगे तो आसान रहेगा स्पेट से निकालना फ्लक्स आपको ठीक है ना अब सिर्फ क्यू अपॉन ऑन नॉट कैसे करोगे ये चार्ज इन्क्लोज तो है नहीं और पहली बात ये थ्री डी सर्फेस नहीं है अरे ये थ्री डी सर्फेस है क्या नहीं है थ्री डी सर्फेस नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक थ्री डी सर्फेस बनाएंगे क्योंकि थ्री डी सर्फेस के अंदर जाकर ये चार्ज इन्क्लोज हो जाएगा और फिर हमारे लिए गॉस लगाना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है ना दिमाग में कैलकुलेशन समझो जब आप क्यूब बनाओगे तो एक थ्री डी सर्फेस बनेगा ठीक है ना और क्यूब में क्यूब के जो सरफेस होते हैं आपको पता है वो स्क्वायर वो कैसे होते हैं शेप में स्क्वायर वाले होते हैं हाँ सर तो अगर मैं निकाल कि टोटल फ्लक्स स्क्वायर क्यूब के अंदर से कितना निकल रहा है तो मैं जानता हूँ क्यूब में छः फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर होता है तो मैं टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दूंगा छः फेस से तो एक फेस से आने वाला फ्लक्स मेरे सामने आ जाएगा बस खत्म बात ये दिमाग मैंने लगा लिया तो मैंने बोला कि चलो भैया यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक क्यूब बनाता हूँ क्या बनाता हूँ क्यूब बनाता हूँ देखिएगा ये <dış> <değilms> <cream> ये देखो ये देखो भैया, भैया, ठीक है ये हमने क्या बना दिया क्यूब बना दिया अब आप ये देखिए कि ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे ये प्लस हटा देता हूं है ना प्लस के कारण क्या हो रहा है हमारा थोड़ा सा खेल रहा है मामला इसको थोड़ा ऊपर बना ये ये इस तरीके से ये 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 एंड ये ये एंड ये ठीक है चलिए ये एकदम परफेक्ट डायग्राम बन गया अब आपको इसमें क्यों क्या दिख रहा होगा सेंटर पे दिख रहा होगा ठीक है ना तो ये आपको सिमेट्री दिखी बीच में आ गया हमारा चार्ज अब ये चार्ज एनक्लोज हो, हाँ हो, हो गया अंदर के एनक्लोज एक थ्री डी सरफेस बना लिया भैया एक बना लिया क्योंकि अब हमारे लिए गॉस लगाना बड़ा आसान हो जाएगा नहीं तो कैसे लगाते लगा ही नहीं पाते ठीक है सर अब हम जानते हैं कि इस केस में इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स बताओ टोटल फ्लक्स बताओ किससे क्यूब से कितना निकल रहा है तो आप बोलोगे कि यार एनक्लोज क्यू है Q, ना और डिवाइड बाय नॉट तो हो जाएगा कितना क्यू अपॉन एपसलन नॉट लेकिन ये तो टोटल छह फेस से निकल रहा होगा ना टोटल क्यूब से बाहर जा रहा है ना अरे देखो ना भैया टोटल क्यूब से बाहर जा रहा है ना ये देखो हाँ कि ना हाँ सर ये तो टोटल क्यूब से बाहर जा रहा है ना लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड आउट दी फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर आपसे सिर्फ स्क्वायर से पूछा है कि कितना फ्लक्स बाहर जा रहा होगा तो आप क्या करोगे छह से डिवाइड कर दोगे छह फेसेस है ना तो आप क्या करो उसको छह से डिवाइड कर दो तो ठीक है तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू स्क्वायर साइड है ना स्क्वायर सिंगल स्क्वायर लिख देता हूं सिंगल स्क्वायर सिंगल स्क्वायर से कितना भार जाएगा तो Q अपॉन सिक्स टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट खत्म बात अरे भैया खत्म बात हमने क्या कर लिया भैया थोड़ा जुगाड़ बैठा लिया ना हमने गॉस लॉ लगाने के लिए थोड़ा जुगाड़ बैठा लिया इसको थ्री सरफेस बना दिया अच्छा ये तभी वैलिड है जब ए बाई ऊपर है भैया अगर ए बाई नहीं होता तो सेंटर पर जाता ही नहीं अरे सिमेट्री होती नहीं सेंटर पे जाता ही नहीं ये देखो ना ए बाई टू ऊपर है मतलब बीच में ही कहीं होने वाला है पक्की बात है हाँ सर पक्की बात है क्लियर चलो वेरी गुड लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले लिख लो चलो आगे बढ़े इन फिगर अ चार्ज इज प्लेस एट दॉर्नर ऑफ अ क्यूब वट इज दस थ्रू ईच ऑफ द फेसेस ईच ऑफ द फेसेस अच्छा 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 देखिए भाई फिर वही क्यूब अब मैं क्या कर रहा हूँ इस क्यूब के ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आपकी सिंगेज बुक का है ना इसमें मैंने क्या रख दिया है एक चार्ज रख दिया है क्यू ऐसे साइड में है ना सिंगेज में शायद इस साइड रखा हुआ है या पीछे रखा हुआ है कोई बात नहीं मैं इधर रख दूँ कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है मैंने इधर रख दिया है लेकिन क्वेश्चन वहीं का अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब इस पर क्या बोला गया है बोला गया है फ्लक्स थ्रू ईच ईच ऑफ द फेसेस बताओ है हाँ ना अ देखो गॉस लॉ जब हम लगाते थे जब हम गॉस लगाते थे हम हम बोलते थे जो फ्लक्स निकल रहा है वो होगा Q इन साइड या Q एनक्लोज Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है ना और ये हर तरफ निकलता था हर तरफ निकलता था है हाँ ना हर तरफ टोज सर्फेस जो होता था थ्री डी सर्फेस उसके बीच में रख र, हम रखते थे अपने चार्ज को और उससे हर तरफ क्या निकलता था ऐसे फील्ड निकलती थी तो हम हर तरफ क्या करते थे फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते थे है हाँ ना अगर ये चार्ज यहाँ पर होता अगर ये चार्ज यहाँ पर होता

हमारा चार्ज क्या हो चार्ज के आसपास या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास क्या हो सिमेट्री हो यानी कि हम अपना गौशियन सरफेस इस तरीके से बनाते हैं कि वो चार्ज के अराउंड क्या हो सिमेट्रिक हो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गॉस लॉ हमेशा वैलिड होता है लेकिन हम उसको हमेशा कैलकुलेट कर पाए या हम उसको यूजफुल बना पाए ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं बन पाती गॉस लॉ हमेशा लगाने की जब भी कंडीशन आपको लगानी हो या बनानी हो ऐसी कंडीशन की गॉस लॉ आसानी से लग जाए एक सेकेंड मेरी आंख में कुछ चला गया है हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप गॉस लॉ लगाना चाहते हो तो सबसे पहले देखो कि सिमेट्री बन रही है कि नहीं यानी कि आपको एक गौशियन सरफेस बनाना है गॉस लॉ लगाने के लिए तो चार्ज के अराउंड आप जो गौशियन सरफेस बना रहे हो वो देखो कि कैसा बनना चाहिए सिमेट्रिक बनना चाहिए अगर सिमेट्रिक बनेगा तो बहुत आसानी से आपका गॉस लॉ लग जाएगा नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है ओके चलिए भाई तो मैंने यहां पर आपको अभी दिखा दिया एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो हमने किया था ये वाला क्वेश्चन उसमें हमने सिमेट्री बना दी थी है ना अब उसी का उसी का उसी का यूज हम यहां पर इस क्वेश्चन में करने वाले हैं अगर हम यहां पर सिमेट्री नहीं लगाते तो देखो क्या होगा हम जानते हैं कि इस चार्ज से क्या निकलेगी फील्ड निकलेगी इस चार्ज से क्या निकलेगी फील्ड निकलेगी तो ये फील्ड ठीक है ना ये फील्ड ये फील्ड ये, ये देखो हर तरफ हर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में जाएगी ठीक है ना है ना हर डायरेक्शन में जाने वाली तो भैया अगर आप बोलोगे इस चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा तो अगर ये चार्ज किसी गौशियन सरफेस के अंदर होता और सिमेट्री मेंटेन होती तो हम जानते हैं क्यू अपॉन एप्सर नॉट का क्या निकलता फ्लक्स निकलता है ना लेकिन अब तो ये कोने में रखा हुआ है ये कोने में रखा हुआ है

चार्ज के आसपास सिमेट्री बनाए चार्ज के पास या चार्ज के आसपास अगल बगल और बगल बगल में अंतर होता है चार्ज के आसपास सिमेट्री बनाए क्या बनाए सिमेट्री बनाए ठीक है अब वो सिमेट्री कैसे बनेगी थोड़ा दिमाग लगाएंगे अब वो सिमेट्री कैसे बनेगी चार्ज के अराउंड अगर आपको सिमेट्री बनानी है तो वो सिमेट्री कैसे बनेगी सर मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मैं इस चार्ज के ऊपर यहाँ पर एक क्यूब रख दूँ एक क्यूब इसके बाजू में रख दूँ एक क्यूब उसके ऊपर रख दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सिमेट्री ऐसी कुछ बनने लगेगी हाँ मैं बोला क्या बोल रहा हूँ करके बताओ जरा तो मैंने बोला कि सर देखो एक क्यूब आप ऐसे बना लो एक क्यूब आप ऐसे बना लो ठीक है ना एक आप कुछ ऐसे बना लो ठीक है ना एक क्यूब ये बन गया इसी से मिलता जुलता आप इसके बाजू में बना लो भाई एक क्यूब ये देखो ये हमने एक क्यूब और बनाया भाई ये आपका क्यूब बन गया ठीक है ना ये देखो एक और क्यूब बन गया ठीक देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो हाँ सर देख पा रहे हैं एक क्यूब इसके नीचे भी बना देंगे एक क्यूब क्या करते हैं भाई इसके नीचे भी बना देते हैं आ जाओ अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये यह क्यूब हमारा बिल्कुल सही बनना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत फंसेगी हमको ही आइए ये और ये ये एक क्यूब और बना दिया ठीक है ना अब आप देख सकते हो कि एक क्यूब के बाद जो मैं दूसरा क्यूब उसके ऊपर एक और क्यूब उसके ऊपर एक एक और क्यूब मान लो अगर जो इनिशियली आपको क्यूब दिया गया था वो ए साइड का था ठीक है ना तो अब हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा क्यूब बनाने की जिसकी साइड क्या हो टू ए हो क्या हो टू ए हो तो अगर यहां ए है तो ये भी ए हो गई ठीक है ना अब ये ए है यहां ये यह टू ए हो गई है ध्यान हाँ से देखो ये टू ए हो गई ये क्या है ए है ये भी ए है? है तो यहां पर हाइट भी टू ए हो गई है लेंथ भी टू हो गई है अब यहां पर वेट जो होनी चाहिए जो डेप्थ होनी चाहिए वो भी टू ए होनी चाहिए तभी तो सिमेट्री बनेगी अरे क्यूब बना रहे होगा एक क्यूब से एक क्यूब से आप चार क्यूब जोड़कर एक सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे तो आपकी लेंथ टू ए गई हाइट टू ए हो गई लेकिन डेप्थ अभी भी ए है देखो डेप्थ अभी भी क्या है ए है तो ये तो गलत हो गया ना सिमेट्री है कहां आई मेरी बात समझ में हाँ सर समझ में आ गई तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा एक और क्यूब पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा कहां लगाना पड़ेगा इसके पीछे की तरफ एक क्यूब लगाना पड़ेगा आई मेरी बात समझ में नहीं आई तो चलो एक चीज दिखाता हूं आपको शायद आपको समझ में आए देखना शुरू में आपके पास ये एक क्यूब था ठीक है ना शुरू में एक क्यूब था इसके बाजू में आपने एक क्यूब और लगा दिया इसके ऊपर एक क्यूब और लगा दिया इसके बाजू में एक क्यूब और लगा दिया ठीक है ना तो यहां पर चार क्यूब बने चार्ज आपका रखा हुआ था इधर 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 दिख रहा है चार्ज आपका इधर रखा हुआ है तो अभी भी आप देख सकते हो कि चार्ज से जो फील्ड निकल रही है जो फ्लक्स निकल रहा है वो आगे की डायरेक्शन में तो क्यूब से निकल जाएगा और जो पीछे की तरफ जा रहा है वो वो तो खाली गया ना वहां तो कोई क्यूब है ही नहीं सिमेट्री आप बना ही नहीं पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पीछे साइड भी क्या करने पड़ेंगे क्यूब्स रखने पड़ेंगे आपको पीछे साइड भी क्या रखने पड़ेंगे इसके पीछे एक क्यूब इसके पीछे एक क्यूब ऊपर वाले के पीछे क्यूब और इस ऊपर वाले के एक पीछे क्यूब मतलब चार क्यूब आप अगर आप और रख दोगे तो आठ क्यूब की एक सिमेट्री बनेगी क्या चार क्यूब अगर आप रख दोगे तो आठ क्यूब की सिमेट्री बन जाएगी ठीक है ना तो आप समझ गया कि नहीं समझे मतलब मुझे इसके पीछे एक क्यूब और लाना पड़ेगा यहां एक यहां लाना पड़ेगा एक नीचे वाले के पीछे और एक इस वाले के पीछे टोटल आठ क्यूब आपको लाने पड़ेंगे तब जाकर आपका ये वाला चार्ज कहां आएगा बिल्कुल सेंटर पे आएगा सिमेट्री बन पाएगी आई मेरी बात समझ में अरे हाँ कि ना चलो तो मैं पॉइंट लिखता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार <coughs> पॉइंट ये है इफ वी प्लेस एट क्यूब्स टुगेदर एट क्यूब्स फ यू प्लेस एट क्यूब्स टूगेदर देन देन द चार्ज देन द चार्ज विल बी एट सेंटर देन द चार्ज विल बी एट सेंटर चार्ज कहां होगा सेंटर पे होगा तब आ जाएगा सेंटर पे ठीक है फिर इससे जो फ्लक्स निकलने वाला है वो एक सिमेट्री को फॉलो करेगा और फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्या निकालना फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालना आई मेरी बात समझ में हाँ सर समझ में आ गई चलो तो इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको बनाकर दिखाया है मैं चाहता हूँ कि आप उस डायग्राम को देखो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आ जाओ <coughs> अरे ये तो पूरा ही मट गया है ना पहले मैं इसको हटाता हूँ ठीक है ना समझ में आ रहा होगा कि हम सिमेट्री की तलाश में है यार कॉस्ट लो अगर हमको लगाना है तो हमको सिमेट्री चाहिए सिमेट्री के भूखे हैं हम चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं ये देखिए भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये डायग्राम सही दिख रहा है क्लियर दिख रहा है एकदम डायग्राम एकदम बढ़िया दिख रहा है चलो सब कुछ दिख रहा है तो यहां पर देखिए हमने आठ क्यूब अरेंज कर दिया और आठ क्यूब को अरेंज करके यहां पर वो चार्ज था आपका क्यूब जो रखा हुआ था ठीक है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ क्यूब है अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके गिन सकते हो ठीक है ना यहां पर बन गई है सिमिट्री यहां क्या बन गई भाई सेमिट्री बन गई है अच्छा एक चीज और एक चीज और क्या जब आपको क्यूब दिया गया था ध्यान से देखना जब आपको क्यूब दिया गया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी तो आपका चार्ज कहां रखा था आपका चार्ज यहां रखा हुआ था ये आपका चार्ज था क्यूँ है ना जब भी हम लॉ लगाते हैं तो क्यू हमें कैसा चाहिए होता है एनक्लोज चाहिए होता है क्या ये क्यू एनक्लोज है इस थ्री सरफेस में अंदर फंसा हुआ है नहीं ये तो बाहर बैठा है आई मेरी बात समझ में तो हमको एक ऐसा क्लोज सरफेस ऐसा गोशियन सरफेस बनाना है जिस गोशियन सरफेस के बीच में यानी कि सिमेट्री पर हमारे जाकर कौन बैठे चार्ज बैठे ठीक है ना तो यहां पर देखो मैंने अपना गोशियन सरफेस बना लिया सिमेट्री यहां पर अरेंज कर दी है ना अब देखो ये वाला जो चार्ज है एकदम सेंटर पे बैठा है ठीक है ना दिस इज आर थ्री डी सर्फेस हमारा क्या बन गया एक थ्री डी अब ये मत बोलना कमेंट में आप जाएगा सर थ्री डी सर्फेस तो ये भी है अरे ये थ्री डी है बट यहां पर जो चार्ज बैठा हुआ है वो चार्ज कोने में है भाई सिमेट्री थोड़ी ना रह गई कोई

फाइव टोटल कितना निकलेगा कितने क्यूब है आठ क्यूब है मतलब आठ क्यूब से टोटल फ्लक्स निकलने वाला है वो कितना निकलेगा वो निकलेगा सर क्यू अपॉन एप्सलन नॉट ये तो हमको पता ही ना ये तो हमको पता ही है कि टोटल कितना निकल सकता है फ्लक्स तो जितना चार्ज एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सलन नॉट इतना टोटल फ्लक्स हाँ से सारे क्यूब से निकल सकता है और सारे कितने क्यूब्स हैं आठ क्यूब्स हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ईच क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है आठ से आपको पता चल गया कि भैया टोटल इतना फ्लक्स है मतलब 8 के क्यूब से इतना फ्लक्स निकलने वाला है अब आपसे अगर क्वेश्चन चेंज करके मैं ये बोल देता हूं कि एक क्यूब में बताओ एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा ठीक है तो वही बहुत आसान है कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है ना तो हम आप बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स फ्रॉम एट क्यूब्स फ्रॉम एट टोटल फ्लक्स फ्रॉम एट क्यूब्स ठीक है सर ओके आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स ईच क्यूब से कितना निकल रहा है फ्लक्स ईच क्यूब से कितना निकल रहा है तो आप बोलोगे कि सुनो ना टोटल जो है टोटल को आठ से डिवाइड कर दो क्योंकि टोटल आठ ही तो क्यूब है आठ क्यूब से ही तो आपने सिमेट्री बनाई है हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही तो कितना हो गया फाइव टोटल हो गया कितना क्यू एन क्यू डिवाइडेड बाय एट टाइम्स ऑफ एप्सलन नॉट हाँ आपसे आप मतलब oh, 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 oh. मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना है ठीक है अब यहां क्या होता है बच्चे अपने आपको डूड समझ लेते हैं क्या समझ लेते हैं कूल cool डूड एकदम समझ लेते हैं बोलते हैं भैया अगर एक क्यूब से हमको पता चल गया है तो एक क्यूब में होते हैं छ फेस और वो फटाक से ना आओ देखते हैं ना ताओ और डिवाइड कर देते हैं इसको किससे छे से तो एट इंटू सिक्स हो जाता है 48 और आंसर निकाल कर छाती ठोक बोलते हैं देखा तेरे भाई ने क्या आंसर आंसर निकाला है और आंसर हो जाता है गलत तो इसलिए शाणा का हुआ ना बने क्योंकि शाणा का हुआ हमेशा करंट वाली तार पर बैठता है थोड़ा सा दिमाग लगाए है ना आइए समझते हैं तो मैंने क्वेश्चन अपना बदला और आपसे पूछा बदला बदला से यार ये जो तूने खुद को बदला है ये बदला है या बदला है

एट एप्लन नॉट इन सिक्स यानी कि आंसर हो जाएगा Q अपॉन फोर्टी एट एप्सल नॉट 48 क्यू अपॉन फोर्टी एट ये आंसर लेकिन क्या है? ये आंसर, गलत है ये आंसर गलत है गलत है सर गलत है क्यों गलत है क्या रीजन है इसके पीछे गलत होने का अभी चलते हैं देखो समझते हैं देखो यहां पर ध्यान से हर क्यूब को देखना ध्यान से देखना हर क्यूब को ये वाला जो फेस है इस क्यूब का ये वाला जो फेस है इसके ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है हाँ सर इसके ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है ठीक है ना ठीक है सर ये वाला जो फेस है इस क्यूब का ये वाला ये वाला जो फेस है इस क्यूब का ये देखो है ना इसके बाजू में दूसरा फेस दूसरा क्यूब रखा हुआ है हाँ सर बिल्कुल रखा हुआ है अच्छा इसके पीछे वाला जो फेस है ध्यान से देखना कौन सा वाला दिखा रहा हूँ आपको ध्यान से देखना चाहिए ये वाला पीछे वाला ये ये देखो ये ये

तो तीन ही फेस खुले मतलब वहीं से फ्लक्स जा सकता है आई मेरी बात समझ में तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये हो गया यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया नोट ओनली थ्री फेसेस आर अवेलेबल ओनली थ्री फेसेस आर थ्री फेसेस आर अवेलेबल ओनली थ्री फेसेस आर अवेलेबल फ्रॉम ऑफ ईच क्यूब ऑफ

कितने फेस उसके खुले हुए हैं तीन फेस खुले हुए हैं तो कितना हो जाएगा Q अपॉन एट एप्सलन नॉट इन टू थ्री यानी कि आंसर हो गया आपका Q अपॉन ट्वेंटी फोर एप्सलन नॉट ठीक है ना ये क्या हो गया फाइव थ्रू ईच फेस आई बात समझ में हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो ये है अच्छा क्वेश्चन ये था अच्छा क्वेश्चन भाई है ना जब आप सिंगेज खोलोगे तो उसमें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और मैंने कोशिश की है कि उस एक्सप्लेनेशन को तोड़कर मैं आपको बता दू है ना गलती हमसे ये हो रही थी कि हमने ये बोला कि पहले तो सिमेट्री नहीं दिखी तो हमने बोला कि चलो सिमेट्री तो मैं बना दूंगा सिमेट्री मैंने कैसे बना दी एक क्यूब के पीछे सात क्यूब और रखे आगे पीछे और ऊपर नीचे सात क्यूब और रखे टोटल आठ क्यूब एक के पास एक के बाद एक रखने से हमको एक सिमेट्री दिखी कि हमारा चार्ज कहाँ आ गया ये हमारा गौशियन सर्फेस बना हमारा चार्ज कहाँ गया सेंटर पर आ गया अब इससे कितना फ्लक्स निकल सकता है क्यू अपॉन एप्सलॉन नॉट का जो हर आठ क्यूब से होता हुआ निकलेगा ऑब्वियस बात है चारों चारों डायरेक्शन में है सर। तो मुझे पता चला कि भैया टोटल आठ क्यूब में से क्यू अपॉन एप्सलन नॉट टाइम्स क्यू अपॉन एप्सलॉन नॉट क्या निकल रहा है फ्लक्स निकल रहा है तो मैंने बोला कि ईच क्यूब से कितना निकलेगा तो आपने क्यू अपॉन एप्सलन नॉट को आठ से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया कि एक फ्लक्स के एक क्यूब के पास कितना फ्लक्स जा रहा है ठीक है ना फिर मैंने बोला कि चलो भैया एक फेस से पता दो कितना जाएगा तो आपने बोला एक क्यूब में छह फेस होते हैं तो आपने क्यू बाय एट ऑप्शन नॉट को छह से डिवाइड कर दिया जो कि गलत हो गया क्यों गलत हुआ क्योंकि एक क्यूब के सिर्फ तीन ही फेस खुले थे जहां से फ्लक्स जा सकता था आई मेरी बात समझ में तीन तो क्या कर गए थे छुप गए थे ये देखो पता है मैंने एक ये ब्लैक वाला दो और एक रेड वाला ये तीन ठीक है सर तो बचे कितने तीन ही फेज से फ्लक्स जा सकता था तो एक्चुअल में आपको छे से डिवाइड नहीं करना था एक्चुअल में आपको छे से नहीं करना था किससे करना था तीन से करना था यहां गलती हो जाती है ठीक है ना तो आंसर आपका आ गया है चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कर लिया इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कर लिया चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटी विथ लॉ देखो अब आप लॉ पढ़ लिया देखो मैं आपको बता रहा हूँ लॉ सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा आपसे बिल्कुल भी क्योंकि नाम ही सत्य है में मेरा लॉ में ना आपको कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ेगा या तो अपने किसी दोस्त के साथ जो पढ़ रहा हो तुम्हारे साथ लॉ या तो कोई ऐसे टीचर जो आपको पढ़ा रहे हो या आप मेरे साथ है ना ऑब्वियस ये बात है कमेंट करो आप पूछ लीजिए जितने भी लोग मुझसे डाउट पूछते हैं कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई डाउट जरूर बता देता हूँ कमेंट में जाके तो आपको क्या करना है समझना है जो चीज़ मैं आपको बताऊँ प्लीज़ उसको समझ समझना या कोशिश करना है समझने की कि हाँ सर ने ये बोल दिया है तो ऐसा होता होगा क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कंफ्यूजन आएंगी दिमाग में लगेगा यार ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया सब खत्म करो सारे कंफ्यूजन अभी क्लियर करो अभी ये समझो कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वही सही है बस बाकी सब झूठ है ठीक है ना चलो तो पहला पॉइंट है अगर आपको कोई गॉस लॉ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है जरा उसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें ना क्या बोलते हैं उसका फस बना हुआ है बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है कि यार नहीं बनता है क्वेश्चन नहीं बनता है नहीं बनता है। तो मैं आप बता रहा हूँ कि आपको तोड़ना कैसे है क्वेश्चन आपने गॉस लॉ का क्वेश्चन देखा और आपको उसके बाद क्या करना है वो मैं समझा रहा हूं प्लीज इस पॉइंट्स को ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में और मैं बोलूंगा कि अगर आपने पूरे लेक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है लेकिन इस पर्टिकुलर दो स्लाइड्स का आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है पहला पॉइंट है गोसेस लॉ इज द मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यून स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखो सीधा सीधा बोल दिया उसने सबसे ज्यादा यूजफुल और आप सॉल्व कर पाओगे गॉस लॉ के क्वेश्चन तब सबसे ज्यादा किन सिचुएशन में उन सिचुएशन में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहे है फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री या तो स्फेरिकल सिमेट्री हो या तो सिलेंड्रिकलिट्री सिमेट्री हो यानी कि आपका चार्ज या तो पॉइंट चार्ज हो या लाइन चार्ज हो है ये क्या बोल दिया सर अभी आ गया समझ में सबको समझ में आ जाएगा आगे आगे देखो और इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ प्लेन अगर किसी प्लेन पर क्या हो यूनिफॉर्मली क्या किया गया हो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो ठीक है

तो यहां पर मैंने क्या रखा था अपना चार्ज रखा था और एक गोशियन सरफेस बना लिया था जो कैसा था एलिमेंट था, अच्छा। को ले लू छोटे तो कहां जाएगा? जाएगा याद आया हाँ सर याद आया ठीक है ओके और मैंने बोला कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है तो जैसे ही मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गॉसियन सरफेस बता दिया आप आराम से बता पा रहे हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन

हर पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कॉन्स्टेंट थी इक्वल थी बराबर थी हर जगह याद आया कि नहीं आया हाँ सर याद आया ठीक है तो इसी तरीके से हमको इस पॉइंट का यूज करना है नेक्स्ट पॉइंट बिगिन योर एनालिसिस बाय आस्किंग द्वेश्चन वॉट्स दि सिमेट्री सिमेट्री कहां है सिमेट्री कहां है सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए अगर सिमेट्री है तो वेल एंड गुड नहीं है तो मैं सिमेट्री बनाऊंगा जैसे हमने अभी क्यूब वाले क्वेश्चन में किया था ना सबसे पहले दिमाग आपका आना चाहिए गौसलो में क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में जैसे ही गौसलो का है इसमें हमारा यहां पर रखा हुआ था दिमाग हमारा मचल रहा था कि यार क्लोज सर्फेस नहीं बन रहा है थ्री डी सर्फेस गर्फेस क्लोज सर्फेस नहीं बना पा रहा है ना ये जो चार्ज है ये इनक्लोज नहीं हो रहा है सर्फेस के अंदर तो मैंने सोचा सिमेट्री कहां है सिमेट्री कहां है सिमेट्री कैसे लाऊं सिमेट्री कैसे लाऊं तो मैंने सात क्यूब और लिया और सात क्यूब को मिलाकर क्या बना दी एक सिमेट्री बना दी एक इमेजिनरी सरफेस बना दी ठीक है ना और फिर मैंने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया टैकल कर लिया ओके अच्छा 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 ठीक है सर समझ गया समझ गया आपका पॉइंट मैं समझ गया तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बिगिन योर एनालिसिस पहले ही स्टार्ट ही आप अपनी एनालिसिस को कैसे करो ये क्वेश्चन पूछो पूछो कि सिमेट्री कैसे बनेगी सिमेट्री अगर बन गई तो फिर आसानी से आप उड़ा ले जाओगे क्वेश्चन को ठीक है ना बहुत बढ़िया नेक्स्ट द प्रॉब्लम यूज इज द फॉलोइंग स्टेप्स अब आपको इन स्टेप्स का ध्यान रखना है पहला पॉइंट क्या है सिलेक्ट द सर्फेस दैट दैट यू विल यूज विद गोसिज लॉ वी ऑफन कॉल इट गॉसियन सर्फेस आपको कैसा गॉसियन सर्फेस सिलेक्ट करना है बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यहीं पर क्वेश्चन यहीं पर क्वेश्चन आप ध्वस्त कर दोगे जैसे ही आपने अपना गोशियन सर्फेस सही तरीके से डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो स्फेरिकल गोशियन सर्फेस लेने वाला हूं मैं तो सिलेंडिकल लेने वाला हूं मैं तो प्लेनर लेने वाला हूं तो आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा फिर आपकी कोई मेहनत ज्यादा लगेगी नहीं लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि गोशियन सर्फेस कैसा लेना है तो फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे क्यों क्योंकि आप सिमिट्री ही नहीं ढूंढ पाओगे और सिमिट्री नहीं ढूंढ पाए तो दिक्कत है फिर तो दिक्कत है ठीक है इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन That point must lie on the Gaussian surface. अगर आप किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हो फील्ड निकालना चाह रहे हो तो वो फील्ड कहा होना चाहिए? चाहिए अरे भाई नहीं समझ में आया क्या ये देखो ना यह देखो कहा ये ये आपका गोशियन सर्फेस है भाई ये आपका गोशियन सर्फेस है फील्ड आप कहा पता कर रहे हो इस पॉइंट पर पता कर रहे हो ना इस पॉइंट के लिए पता कर रहे हो ना फील्ड ये पॉइंट कहा है गोशियन सर्फेस पर आई मेरी बात समझ में हाँ सर ठीक 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 यही बोला गया है कि आप जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना चाहते हो वो पॉइंट कहां चाहिए सरफेस पे चलो अगर ये भी नहीं समझ में आया तो छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये टेबल समझो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है नई भी आई समझ में तो मैं बैठा हुआ हूं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज करके बता दूंगा अभी तो सिर्फ दिखा के बता रहा हूं जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं आपको ये करके बता दूंगा बस खत्म बात है ना मेरे को पता है कुछ बच्चे ही समझेंगे इस चीज़ को कुछ बच्चे ही याद करेंगे बाकी बच्चे बोलेंगे अरे चलो नेक्स्ट लेक्चर में सर समझाने तो वाले हैं छोड़ो जाने दो इसको यहीं तो फंस जाओगे ना तुम यहीं तो फंस जाओगे तुमको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ याद करनी है और कौन सी चीज़ छोड़ देनी है मैं जब कि ये चीज़ याद करनी है तो याद कर लो ये मत बोलो कि सर आप नेक्स्ट लेक्चर में तो समझाने ही वाले थे ना यार क्या करेंगे याद करके आप जब समझाओगे तभी याद कर लेंगे तो यह ने क्या, क्या मैंने कहा था ना शाणा कौआ नहीं बनना शाणा कौआ हमेशा करंट वाली तार में बैठता है करंट लग जाएगा बुरा लग जाएगा मान लो फिर बात मातम ठीक है चलो आओ देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट करोगे उसके लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसी दिखेगी कितनी प्यारी चीज़ है कितनी प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूं जिन जिन चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है वही चीज मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको सिंपल तरीके से एकदम मक्खन के तरीके से आपको बता रहा हूं चलिए अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट चार्ज है अभी देखो अभी 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 ये पॉइंट चार्ज मैंने बनाया था याद करो ये पॉइंट चार्ज मैंने बनाया और मैंने गौशियन सर्फेस कैसा बनाया स्फेरिकल गौशियन सर्फेस बना दिया याद करो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने कैसा गौशियन सर्फेस बनाया था यही मेरा क्या था गौशियन सरफेस था हाँ सर बोल तो आप सही रहो ठीक है तो मैं ऐसे ही जबरदस्ती तो बनाता नहीं था ये इसलिए बनाता था क्योंकि मुझे पता था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो गोशन सर्फेस बनता है वो कैसा बनता है फेरिकल बनता है ये देखो फेरिकल गोशन सर्फेस ठीक है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी रेडियली आउटवर्ड वही बात यहाँ पर भी बोली गई ये देखो ठीक है ना नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप स्फीयर जब आप बात करोगे सॉलिड स्फीयर की है ना तब तो आप देखोगे वहाँ क्या है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी आप गोशन सरफेस क्या लोगे स्फीयर ही लोगे ऐसे ऐसा होता है कि जैसे ही जैसा आपका वो रहता है क्या बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ही लगभग लगभग आप क्या लेते हो अपना गोशन सर्फेस लेते हो पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज में ऐसा नहीं है सिलेंड्रिकल अगर मान लो जैसे अगर यहाँ पर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए गोशन सर्फेस कैसा है स्फेरिकल है अगर सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उसके लिए आप गोशन सर्फेस क्या ले लेते सिलेंडर ले uh, लेते ले आई बात समझ में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी क्या होगी रेडियली आउटवर्ड ही होने वाली है ये सब आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में दिख जाएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है ना मेरा मेरा एम ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें कि अगर आप लॉ यूज कर रहे हो तो उससे पहले क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो तो पता हो आपको सिमेट्री रिक्वायर्ड है ये आपको पता हो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कैसा गोशन सरफेस बनेगा ये रिक्वायर्ड है ये आपको पता होना चाहिए तो वही चीज मैं आपको बस बता रहा हूं चलो पहला हो गया दूसरा हो गया नेक्स्ट इज लाइन ऑफ चार्ज मतलब अगर आप पढ़ोगे इनफाइनाइट जैसे मैंने आपको बताया ना हमने पढ़ा था एक इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या था चार्ज हमारा था वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर थी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली याद है याद आया अरे याद आया कि नहीं याद आया हाँ सर याद आया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी जिस पर चार्ज क्या था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था है ना तो वो कहलाता है क्या लाइन चार्ज उसके लिए जो क्वेश्चन सरफेस बनेगा वो बनेगा सिलेंडरकल आने वाले लेक्चर में आप देख लोगे टेंशन लेकिन की जरूरत नहीं उसके लिए भी जो फील्ड होगी वो कैसी होगी रेडियल होने वाली है ठीक है ना रेडियली आउटपुट और डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी कैसी है आपकी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अगर नेगेटिव होगी तो वो इन्वर्ट हो जाएगा रेडियली इन्वर्ट और अगर पॉजिटिव होगी तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा बता दूंगा टेंशन बदलू नेक्स्ट प्लेनर चार्ज एक प्लेन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन सर्फेस लेना है वो एक और प्लेन ले लेना है जो उस सर्फेस के क्या हो पैरल हो उस सरफेस उस के क्या हो पैरेलल हो ठीक है ओके ओके सर ठीक है अच्छा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी आप जैसे कोई प्लेन है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होने वाली है ठीक है आई बात समझ में हाँ सर वेरी गुड बहुत बढ़िया यार तो ये सारी की सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिल जाएंगी आप डरना नहीं बिल्कुल भी कि सर जे का पढ़ा दो जे का पढ़ा दो सर ऐसा कुछ भी नहीं है आने वाले लेक्चर में आपको सब दिख जाएगा ठीक है चलिए भाई ये हो गया क्लियर आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट पॉइंट है है? है 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 वो 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 क्या important point. हमेशा बोला जाता है, इस बात पर बहस होती रहती है कि जो Gaussian surface है, वो एक real surface है, वो दिखता नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्या हो भाई एक क्या हो रियल फिजिकल सर्फेस हो इमेजनरी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सच एज बॉडी ऑफन दोप्रिएट सर्फेस इज एन इमेजनरी जोमेट्रिक सर्फेस ऑफन ज्यादातर हमारे में हम जो भी जो, भी जो गोशन सर्फेस बनाएंगे वो कैसा होगा इमेजनरी होगा आई बात समझ में हाँ सर इट मे बी इन एम्टी स्पेस एम्बेड इन सॉलिड बॉडी और बोथ किसी सॉलिड बॉडी के अंदर भी हो सकता है सॉलिड बॉडी के बाहर भी हो सकता है स्पेस में जैसे अगर आप देखोगे अभी हम केस केसेस सॉल्व करेंगे सिलेंडर के किसके केसेस सिलेंडर के तो हम सिलेंडर के इनसाइड भी जाएंगे और सिलेंडर के आउटसाइड भी जाएंगे और पता करेंगे कि कितनी फील्ड बन रही है एप्लीकेशन ऑफ गौसला जब आप पढ़ोगे तो ठीक है ओके सर एक इमेजिनरी सरफेस होता है हमारे सिलेबस में इतना ही है चलो आगे बढ़ो तो आपको समझ में आ गया है कि अब अगर आपको गॉस लॉ के प्रॉब्लम दिखेंगे तो आपको क्या करना है ठीक है ओके सर आगे बढ़ते हैं चलिए भाई तो इस लेक्चर में हमको इतना ही करना था इस लेक्चर में हम खत्म कर देंगे खत्म कर चुके हैं क्या हमारे गॉस लॉ को गॉस लॉ को हमने समझ लिया है इतना समझ लिया है कि अब हम उसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं या अगर मैं एप्लीकेशन लगाऊं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या समझाया था। आप कनेक्ट कर सकते हो अच्छा, अच्छा, okay, तो बताया हमारी एक है, नाम, नाम से जहां पर हम क्या करते हैं अपना जितना भी कंटेंट हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया है वो सबका सब आपको यहाँ पर और ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं थाना? जैसे आप हो सकता है यूट्यूब में जाकर कुछ चीज़ें देखकर कन्फ्यूज जाओ तो आपको यूट्यूब में जाए होता है ना कि आप यूट्यूब से आगे पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो है ना यूट्यूब पर गए पता चला टाइप कर रहे थे मैगनेट ब्रेस देखा कि भैया कैटरीना कैफ का नया गाना आ गया है तो भैया चिकनी चमेली टाइप कर दिया बगा पाँच मिनट देख लेते हैं क्या चला जाता है पता चला चिकनी चमेली से कहीं और चले गए पता चला आखिरी में पिक्चर देखने लग गया ढाई घंटे की और पूरा टाइम खत्म हो गया तो इससे बेटर है कि आप क्या करो हमारी वेबसाइट पर चले जाओ वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें देखने को मिलेंगी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ट्वेल्व तक का सारा कंटेंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से साथ ही साथ हिंदी मीडियम का कंटेंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स एन टी एस सी ओलम्पियाड यूपी बोर्ड सब कुछ यहाँ पर आपको प्रॉपली अवेलेबल है मान लीजिए आपको क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ना है देखिए क्लास ट्वेल्ल की फिजिक्स यहाँ पर बनी हुई है आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे अब चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स हैं वो भी आपको दिखा दिया गया है आप सीधे चैप्टर खोलो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, के बाद, एक सारे लेक्चर्स क्या कर दिए गए हैं अरेंज कर दिए गए हैं आपको कुछ भी नहीं करना है बस स्टार्ट करना है लेक्चर को देखना है बस और कुछ नहीं करना बाकी सारी मेहनत हम आपके लिए ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है ना ओके सर हमारी आइडियोलॉजी यह है कि हम कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो कंटेंट एकदम टॉप नॉच होता है हमारा है ना हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते हम ये नहीं बोलते कि आपको ये कोड लगाने से 10 परसेंट ऑफ मिलेगा 20 परसेंट ऑफ मिलेगा नहीं सब कुछ 100 परसेंट ऑफ है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल ऑलरेडी हमने करा दिया है है ना लेकिन हम भी तो भूखे हैं हम पैसे के नहीं लेकिन हम प्यार के भूखे हैं वो प्यार क्यों चाहिए हमें क्योंकि हमें मोटिवेशन चाहिए कि हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आते रहें वो नई चीज़ें हम कब लेकर आ पाएंगे जब हमारे वीडियोस को आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे चैनल को और हमारे वीडियोस को आग की तरह फैला दोगे शेयर कर दोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के दोस्तनियों के और अपनी फैकल्टीज़ के कि भाई बताना चाहिए ना उनको भी कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है मैग्नेट ब्रेंस नाम का जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ठीक है ना तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक सावधान रहिए सतर्क रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच